यरूशलम दुनिया का वाहिद कदीम तरीन शहर जो तीनों अहले किताब मजाहिब के लिए बहुत मुकद्दस है। इल्हामी सहायफ और कदीम रिवायात की नजर से देखें तो इस कदीम शहर में दुनिया की आखिरी जंग लड़ी जाएगी। इस वक्त यरूशलम में जो वाकयात की चिंगारियां जन्म ले रही हैं, ये चिंगारियां आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली हैं। इस दुनिया के नशेब फराज समझने के लिए यरूशलम एक मियार है। एक आईना है जिसमें कौमों को अपने उरूज और जवाल का चेहरा दिखाई देता है। यहूदियों को यकीन है ये शहर उनके मसीहा की आमद का मरकज होगा। जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज होगा और वो यरूशलम से सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। यही अकीदा ईसाइयों का है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो यरूशलम उनका असल मरकज होगा और वो ईसाइयों के तमाम अकीदों, तसलीस, हुलूल और सलीब की ताईद करेंगे। जबकि मुसलमानों का ईमान है कि यरूशलम का मुकद्दर तहरीर है कि वो इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके इस्लाम का निफास करेंगे। अब जरा इस आयत को आप कयामत की निशानी के तौर पर देखिए। जब आखिरी दौर आएगा तो यहूदी अर्ज मुकद्दस में लाए जाएंगे जहां से उन्हें निकाला गया था। इसी के बाद मालूम होती है कि बनी इसराइल यानी जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ इसराइल या यहूद कहा जाता है वो आखिरी वक्त में दोबारा बैतुल मकदस में आबाद किए जाएंगे। एक और हदीस में इस बात का जिक्र है कि जब खिलाफत बैतुल मकदस में आना शुरू हो जाए और उसके करीब आ जाए तो तुम कयामत की बड़ी अलामत का इंतजार करते रहना। इसका वाज़ेह मतलब है कि क़ुर्ब कयामत में यहूद और यरूशलम का गहरा ताल्लुक है। यरूशलम कदीम तरीन शहर, ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार रहा है और कम से कम 50 से ज्यादा मरतबा इस शहर के ऊपर मुख्तलिफ अकवाम ने हमले किए हैं और 40 से ज्यादा मरतबा ये हुआ कि मुख्तलिफ कौमें इस पर आई, काबिज हुई और उन्होंने अपने अपने निजाम को वहाँ पर राइज किया है। यहूदियों के लिए ये शहर 3000 साल, ईसाइयों के लिए 2000 साल और मुसलमानों के लिए 1400 साल से मुकद्दस और अहम तरीन शहर है। इस वक्त यरूशलम की आबादी तकरीबन 8 लाख है जिसमें 64% यहूदी, 32% मुसलमान और 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के लिए यरूशलम में 1204 इबादत खाने, ईसाइयों के लिए 160 के करीब गिरजाघर और मुसलमानों की 73 मसाजिद मौजूद हैं। इंजील में हैकल सुलेमानी का 632 बार तस्किरा हुआ है। हैकल सुलेमानी की मगरबी दीवार यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है। कुरान करीम हैकल सुलेमानी का जिक्र बतौर मस्जिद करता है। अल्लाहु अकबर।
17 طویل مہینوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پورے بنی اسرائیل کے نام سے پوری ایک سورت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اسی سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعمیر کردہ معبد یعنی عبادت خانے کو مسجد قرار دیا ہے، اور اسی مسجد سے مراد معبد سلیمانی یا ہیکل سلیمانی یا جسے یہودی ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں وہی مقام مراد۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا۔ بنی اسرائیل کی پہلی بادشاہت اصلاً تو حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن طالوت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نبی ہونے کے بارے میں علماء میں یقین مختلف آرا رہی ہیں، تو پہلے نبی جن کو باقاعدہ طور کے اوپر اس علاقے کی بادشاہ دی گئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام میں منتقل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہونے سے پہلے تقریباً 1000 سال قبل از مسیح کے دور میں بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام حکمران تھے لیکن بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایسے وقتوں میں بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کی دعا مانگی۔ شموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر آسمانوں سے وہ تابوت سکینہ فرشتوں کے ذریعے واپس مل گیا جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک علامت ہے۔ طالوت بنیادی طور پر وہ 30 سالہ نوجوان تھا جن کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنے وقت میں اپنے بعد حاکم نامزد کیا، فوج کا کمانڈر نامزد کیا، اور آپ کا یہ دور حضرت داؤد علیہ السلام والسلام سے اسرائیلی روایات کے مطابق کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے، اور یہی طالوت تھے جن کی حکمرانی میں اور جن کی جرنیلی کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام والسلام اور بنی اسرائیل انہوں نے اپنے جو دوسری دشمن اور حریف اقوام تھی ان پر غلبہ پایا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا ایک نسخہ، پتھر کی دو تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور پیراہن اور من و سلوہ والا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی اس پہچان کو یاد رکھیں۔ اس محل کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حیوانات اور جنات کی بادشاہی بھی عطا کی گئی۔ ان کی سلطنت کے بارے میں آیت مبارکہ ہے، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ آپ کی حکمرانی کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ آپ کی حکمرانی تمام جانوروں پر، چرند پرند پر، ہواؤں پر، درختوں پر اور اللہ کی دیگر تمام مخلوقات کے اوپر بھی تھی۔ اسی وجہ سے آپ اللہ کی جس مخلوق کو جو حکم فرماتے تھے وہ مخلوق پابند ہوتی تھی آپ کے احکامات کو پورا کرے اور آپ کے حکم کے مطابق آپ کے احکامات کی تعمیر کرتی چلے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو 7 سال لگے،
और वो ये भी कहते हैं कि हैकल सुलेमानी 410 बरस तक अपनी जगह मौजूद रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फिर आपस में लड़ने लगे और दो रियासतें सल्तनत इसराइल और सल्तनत यहूद कायम हो गईं और उनकी आपस में शदीद दुश्मनी भी जारी रही। 587 कबले मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को इस तरह पेवंद खाक किया कि उसकी एक दीवार तक अपनी जगह खड़ी न रह सकी। और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक न मिल सका। हजरत इस्माइल के 12 साहबजादे थे जो अरब के मुख्तलिफ कबाइल के सरदार बने, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 15 बरस छोटे थे और तब पैदा हुए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फातह यरूशलम की हैसियत से इस शहर में दाखिल हुए तो कहीं खून रेजी नहीं हुई, ना कोई मजहबी मकाम की बेहुरमती हुई, हालांकि इस लश्कर में 4000 सहाबाए कराम आपके साथ थे। अगर सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौरे खिलाफत में यरूशलम बगैर जंग के फतह हुआ और उस दौर के उस खौफ आजम ने और वहाँ के जो मजहबी यानी रहनुमा थे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमारी मजहबी किताबों में जिस शख्स के बारे में लिखा है कि वो बैतुल मक़द्दस को दोबारा फतह करेगा, वो तमाम की तमाम अलामात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों में पाई जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हैरम बादशाह की बालकोनी के पास सादा लकड़ी से मस्जिद तामीर कराई। ये मस्जिद अक्सा है जहाँ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पहली अजान दी, जबकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजान देना छोड़ चुके थे। 50 साल बाद यरूशलम में अजीम मुसलमान तर्ज तामीर का आगाज हुआ और ये अल-कुद्स कहलाया जाने लगा। 72 हिजरी में उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस मकाम पर जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार होकर आसमानों पर तशरीफ ले गए थे, वहां इस हश्त पहलू इमारत की बुनियाद रखी जिसे कबहतुस्सुगरा कहते हैं। इसकी तामीर में 4 साल का अरसा लगा। ये इमारत और गुंबद उस जगह तामीर है जिसके बारे में कई रिवायात हैं। कबहतुस्सुगरा है और उसको कबहतुस्सुगरा इस वजह से कहा जाता है कि ये वो खास मकाम था कि इसके नीचे एक चट्टान मौजूद है और ये वो चट्टान है कि जिस चट्टान के ऊपर से नबी अलैहिस्सलाम ने 27 रजब को यानी मेराज की शब दुनिया से आसमान दुनिया की तरफ सफर को शुरू फरमाया था और आप यहां से मेराज शरीफ के ऊपर तशरीफ ले गए थे, इस वजह से उस जगह को खास किया गया और वो जगह कुब्बतुस्सुगरा के नाम से मशहूर है। रूए जमीन पर तामीर होने वाली दूसरी मस्जिद है जो कि काबे की 40 बरस बाद तामीर हुई थी, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। इसी पुरानी इमारत की दीवार मस्जिद अक्सा से मुलहिक है जिसे यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं और हैकल सुलेमानी की तबाही और अपनी गुमशुदा अजमत की याद में रोते हैं। मस्जिद का लफ्ज मुअर्रिखीन सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं बल्कि उस पूरे रकबे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हरम शरीफ की हुदूद में शामिल है, यानी तमाम मीनार, गुंबद, दालान और कबल सोरा को अंग्रेजों ने मस्जिद उमर का नाम दे दिया था, हालांकि वो मस्जिद या नमाज बाजमात की जगह नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में वाके गुंबदों में सबसे बड़ा गुंबद है जो महज इसके नीचे मुतबर्रिक चट्टान पर तामीर किया गया। ये भी बताना जरूरी है कि फलस्तीन में किबला जुनूब की जानिब है। यहूदी मस्जिद अक्सा की शहादत और उसके मकाम पर हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन तामीर का आगाज करने के लिए उन्हें खुदा की तरफ से इशारे का इंतजार है। इसी तरह मस्जिद अक्सा
और मस्जिद कहवतुल सुगरा दोनों के नीचे वसी और अरीज सुरंगें खोदी जा चुकी हैं और ये काम कई दिहाइयों से इंतहाई मुनज्जम अंदाज में किया जा रहा है और इसका नतीजा ये है कि ये दोनों इमारतें इस वक्त खोखली बुनियादों पर खड़ी हैं। मामूली सा इर्तियाश इन्हें जमीन बोस कर सकता है। इसराइली हुकूमत का कहना है कि सुरंगें खोदने का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात की तलाश है, यानी मस्जिद अक्सा की शहादत। ये वक्त वाकयात, सानहे खूनरेजी और जंगें वो मंजरनामा तख्लीक कर रही हैं जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा निशानियां हमारे बिल्कुल सामने नजर आती हैं।